Well, I'm standing just in front of Indian Oil, and that's at BKC. I'm going to show you the employees of Indian Oil and the pump. That is CNG pump where I'm standing right now. I'm going to show you the entire employees, as well as a long queue of rickshaws and the cars. You know, this car as well as the other car, if I'll talk about, a long queue is there, and the people in all numbers, you know, if I'll talk about the employees of Indian Oil, they all went inside and they started having food all together out here. Inside this, they were having food all together, and they did not even bother about the other people who were standing out here. And they entirely, in all one go, went inside and took a break. You know, they did not even bother to inform other people that they are going on break. He is also the employee of Indian Oil, as well as a long queue. You know, all these cars are at halt. All these cars are at halt, and if I'll show you a long queue of somewhere around 10 to 15 cars. भाई साहब आप कितने देर से इस लाइन पे खड़े हैं? एक घंटा हो गया. एक घंटा हो गया ना. ये जब लंच करने गए थे तो सारे लोग छोड़कर मतलब चल गए बंद करके. जोर से. सो आई टेल यू भाई साहब क्या हुआ यहाँ पे. जो मतलब यहाँ पे मैं खड़ा था, मैं इनको वार्न किया, भाई साहब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको इंडियन ऑयल को ही भेजूंगा, आप लोग क्या कर रहे हैं. पता चला कि रोज ऐसा करते हैं. क्या करते हैं यहाँ पे, अचानक से सारे लोग गायब हो गए. अरे भाई सरकारी है ना, सरकारी कर्मचारी को कौन सा रोक टोक है. ऊपर से बिल के अलावा एक रुपया एक्स्ट्रा ना, तो चल ले गाड़ी निकाल, चल चल चल, ड्रामा करेंगे क्या. मतलब लंच में खाना खाने के लिए एक डेढ़ घंटा का ब्रेक ले लेते, ब्रेक ले ले और सारी गाड़ी खड़ी रहती है. भाई सरकारी लोग है, बड़े लोग है भाई. पीछे मतलब ऊपर से एक रुपया एक्स्ट्रा भी लेते हैं. यहाँ पे रिक्शा लाइन कितनी होगी, तकरीबन कितना रिक्शा खड़ी होगा? 150-200 रिक्शा होगा. और कार कम से कम 50 के ऊपर है. 50 के ऊपर. आप कितने देर से खड़े यहाँ पे? सर मैं कम से कम एक घंटा हो गया मेरे को इधर है. अभी मेरा गाड़ी 8-10 नंबर पे है. मैं इधर अंदर आया तो बोलता है सब लोग खाना खाने के लिए गया. इनका जो मैनेजर है वो मैडम अभी नहीं है. जब मैडम रहती है तो बराबर सब चलता है. इनका बाकी का वर्कर लोग बोलता है कि मैडम ने रूल्स बताए हैं. अगर मैडम होती तो हम उसको डायरेक्ट पूछते थे. अभी इधर मेरा लाइन है, अगर दूसरी जगह पे मैं जाएगा तो और 50 गाड़ी मेरा पीछे जाएगा. इसके लिए मैं अभी रुका क्योंकि मेरे को जरूरत है, इन लोगों को जरूरत नहीं है. करेक्ट. आपने इनसे बात नहीं की, आपने इनको बताया नहीं कि हम लोग बहुत देर से खड़े, हम लोग को भी लंच बोला उनको, वो बोलता है हमको लंच करने का बोलता है, हमारा लंच टाइम हमको मैडम ने बोला. सारे के सारे एक साथ. तो मैं उसको वही बोला कि भाई दो जन जाओ, दो जन इधर चालू करो, कि मुंबई में कोई भी ऐसा पंप नहीं है कि जिधर लंच टाइम होता है. लंच टाइम तो हर जगह पे है, सबको लंच होना चाहिए बराबर. लेकिन चार आदमी दो जन जाओ, दो जन तो चालू रखो. इधर पूरा बंद करके लोग चले गए, बाकी पेट्रोल का बराबर चालू है, खाली गैस का बंद कर दिया है लोग ने. और गैस में ऊपर जो अभी एक भाई ने बोला ना 2-3 रुपए लेते, वो 100% लेते सब पेट्रोल पंप पे. मतलब जो बिल होता है उससे 1-2 रुपए अलग से ये एक्स्ट्रा लेते ही है, वो लेते है. सही बात है, वो बात सही है. तो सबसे बड़ी बात जो बुरी लगी यहाँ पे, सारे लोग लंच करना अपना छोड़कर यहाँ पे खड़े हैं सीएनजी लेने के लिए, और ये यहाँ पर जब हम लोग का नंबर आने का वक्त आया तो ये सारे के सारे लोग गाड़ी मतलब लंच करने एक साथ चले गए बराबर. सो आई एम गोना शो यू वंस अगेन दीज एम्प्लॉइज, यू नो इवन दिस पर्सन वॉज देयर, एंड आई एम गोना ट्वीट दिस टू इंडियन ऑयल. आई एम गोना टेल देम व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन आउट हियर, इन स्पाइट ऑफ इन्फॉर्मिंग देम दैट आई एम गोना मेक अ वीडियो एंड आई एम गोना सेंड इट टू इंडियन ऑयल. दीज पीपल वर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट मी टेकिंग दिस एक्शन. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो and BKC, and this is one of the Indian Oil petrol pumps. And want to tell the Indian Oil company that these people went on lunch all in one go. They were not even bothered about other people standing here and waiting in a queue. And क्या अलाउड है फिर यहाँ पे? अच्छा मोबाइल मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था भाई साहब, आपने बोला. क्या हुआ अभी यहाँ पे, इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? आप लोग एक साथ खाना खाने चले, कितना घंटा का ब्रेक लिए थे? जो कैशियर नहीं लेगा पैसा कौन लेगा? तो आपका पहला पेट्रोल पंप तो नहीं है ऑल ओवर मुंबई या महाराष्ट्र में? जानता हूँ ना, तो आप देखो अपना मीटर भाई. अच्छा आइए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं. नहीं नहीं आइए आइए, मैं तो आपसे ही बात करने के लिए गया था. नहीं नहीं अरे लाइन पे तो नहीं, आप बताइए ना अभी क्या हुआ. लाइन का छोड़ दीजिए, आप सारे पब्लिक का दर्द सुनिए. अब आप बताइए क्या हुआ यहाँ पे, तो फिर आप मत बोलिए ना.
कैमरा के सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसे आप बहुत बोल रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, सर आप मीटर देखो, पैसे दो चाहे जो करो, गाड़ी हटा, मैं गाड़ी तो हटा रहा हूँ, मैं अपना गाड़ी हटा ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो लंच करने जाते हैं रोज ऐसी जाते हैं, एक साथ सारे लोग चले जाते हैं और कैशियर वगैरह नहीं रहने की वजह से पूरा पंप बंद कर लेते हैं। 10 मिनट लगता है, 15 मिनट खाना खाया जाता है, 10 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है भाई साहब, पूछ लो किसी भी, एक घंटा लगता है, एक घंटा डेढ़ घंटा। I'm gonna send this video to Indian Oil and I'm gonna tell them what exactly is going on at this petrol pump of BKC and that's being undertaken by Indian Oil. I'm rapidly, stay tuned.